नमस्कार दर्शक बंधु, बैक टू आवर चैनल बीराजा कृपा क्रिएशन। दर्शक बंधु, आम आज आसी पहुँची जाइछु जाजपुर प्रसिद्ध बारुणी पीठ ठारे। ये पुण्यतया बैतरणी नदी कूल बारुणी पीठ अवस्थित, जोठी स्वयं भगवान बराह विराजमान करोपाई कि जाजपुर को कहा जाए बराह विराजा क्षेत्र। ये पवित्र क्षेत्र में ये बारुणी स्नान कौन महात्म्य अच्छे आसतु आम आज ये भिडियो भी जानवा। ये बारुणी में एति कह आपण मानक बारुणी ये बैतरणी स्नान कर पितृपुरुष को अर्घ्य पिंड दान कले तर्पण कले पितृपुरुष मैंने मोक्ष पाई पुराण में फांका गले। तेज ये बारुणी कौन महात्म्य अच्छे जो महात्म्यपाई कि ओडिशा नुहे समग्र भारत बर्षर विभिन्न राज्य लोक मैंने आसी ये पुण्यतया बैतरणी स्नान दे निजर पितृपुरुष को पिंड प्रदान कर। आसतु दर्शक बंधु, आम जाणी जाजपुर पवित्र क्षेत्र विषय रे, जो क्षेत्र विषय रे कि स्वयं व्यासदेव महाभारत रे पूर्ण भाव लिखिंटी बैतरणी तीर्थर बारुणी तीर्थर महात्म्य विषय जोठी कि अतीत महाभारत रु पांडव मैंने आसी एठार निजर पाप विमोचन बैतरणी स्नान कर पितृपुरुष को पिंड दान कर। दर्शक बंधु, जदि ये भिडियो आपण मानक भल लगी थाए कि आपण मैंने आम चैनल ये भिडियो को प्रथम कर देखु था तेज आपण मानक विनम्र अनुरोध आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करने सहित लाइक शेयर करने को आदौ भूल। हाँ दर्शक बंधु, ये भिडियो को नहीं आप बहुत तथ्य पाइबे। दयाक शेष पर्यंत देखु आमर जाजपुर जो गवेषक मैंने अच्छा संपूर्ण रूप से यही बैतरणी महात्म विषय बारुणी महात्म विषय संपूर्ण रूप वर्णना करे। आसतु दर्शक बंधु, देखा आज वीडियो एवं देखि सारी जदि भल लगे आपण यह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने आदो भूल। हाँ दर्शक बंधु, वीडियो शेष आपण मैंने कमेंट्स देवाक भी भूल। तेज आसतु दर्शक बंधु, देखा ये बारुणी क्षेत्र महात्म्य बारुणी स्नान महात्म्य विषय आम गवेषक मानक शुणा। दर्शक बंधु, ये जो जगह देखुं ये हूँ से पवित्र बारुणी पीठ बा बारुणी पड़िया। आसतु देखा आग को एटारे क्यों क्यों उपाय कि भाव में पितृपुरुष को लोक मैंने पवित्र भावना नहीं पिंड दान कर। अवसर एठार बहुत सुंदर मेलार आयोजन कराए। ये मेला प्राय 4 दिन 5 दिन धरी चले यापर आउ एक वर्ष की महान मेला जाजपुर अनुष्ठित हुए ताकू परवर्ती वीडियो आप निश्चय देखा। आसतु देखा दर्शक बंधु, आज कार्यक्रम बारुणी पीठ से क्योंभली भाव में भक्त मैंने श्रद्धालु मैंने आसी एठार पिंड दान करते। दर्शक बंधु, पुणी थे कहूँ जदि भिडटी आपन को भल लगे तेज आपण मैंने आम चेलटा को निश्चित भाव सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ, जय माँ बीरजा। ये जो स्थान आप देखुं दर्शक बंधु, यह हूँ महाश्मशान जोठी कि प्रत्येक दिन विधि अनुसार निश्चित भाव एक शब एठार संस्कार कराए। ये हूँ से महाश्मशान पीठ बारुणी पड़िया। भारतर विभिन्न प्रांतर यही महाश्मशान को लोक मैंने आणती संस्कार करने आत्मीय मानू। तेज आसतु देखा ये महाश्मशान को बासिंक तरफ कृतज्ञता जनवाई चाहिए ये अतीत कलिंगर परिचय देवा को जाई से केवल बैतरणी को ही माध्यम रूप से ग्रहण कर। महाभारत वन पर्व 114 अध्याय चतुर्थ पंचम श्लोक जहाँ से लिखी जा हुए तो आज जड़े सचेतन जाजपुर व्यक्ति को निश्चित भाव प्रेरणा दब। कारण प्राचीन युगरे
कलिंग देश को चिन्हवाई हेले एकमात्र परिचयर मार्ग थिला बैतरणी एते कलिंगा कौन्तेय जत्र बैतरणी नदी जत्रा जजत धर्मोपि देवान शरणमित्यवै ऋषि भी समुपाजुक्तम जज्ञियम गिरिशोभितम उत्तरम तिरमेतद्धि सततम द्विजसेवितम महाभारत पृष्ठ मंडन करिथिबा कलिंगर परिचय को बहन करुथिबा ए बैतरणी केबे सुप्त नुहे लुप्त नुहे तार गौरव केबे हरि जाइनी तेणु आम भितरे जहाँ अतिथि माने कहुतुले रिसर्च हबार आवश्यकता अछि किंतु मु टिके आपण मानक थारु भिन्न मत पोषण करिवि रिसर्च नुहे प्रथमे सर्च करिवार आवश्यकता अछि आगो सर्च करंतु तापरे रिसर्च नाले रिसर्च रा तथ्य आम पुराण को आम परंपरा को बाट बणा करि दउछि बहु क्षेत्र रे करि दउछि मु जे अनुभव करिछि कारण गवेषक माने एमिति केते गुडिए उद्भट तथ्यराणी को उपस्थापन करुछंती जहा द्वारा आमर सांस्कृतिक परंपरा उपरे टिके आघात आछि बोली मु अनुभव करुछि तेणु विनीत निवेदन करिबि प्रथमे सर्च करा जाउ तापरे रिसर्च तेरे बैतरणी महात्म विषय मु दूर को न जाई केवल महाभारत पृष्ठ गोटे दुईटी कथा कही मोर वक्तव्य संग कर देवी जितेबले लोमस महर्षि परामर्श क्रमे पांडव माने आसीथिले तीर्थाटन रे एवं तीर्थ भ्रमण करि जितेबले से माने एई पुण्य तो या बैतरणी कूल रे पहुंचीथिले महाराज युधिष्ठिर जितेबले बैतरणी जल को हाथ रे धरीथिले स्पर्श करीथिले सेतळ से पछु को चाहि कि कहुतुले हे लोमस महर्षि उपस्पृशे हविदिवद अश्यां नद्यां तपोबला मानुषादस्मि विषयादपीतः पश्य लोमस अर्थात हे लोमस महर्षि देखो ए पवित्र जल को हाथ रे स्पर्श करिबा मात्रे मो मन भितरु मो हृदय भितरु सांसारिक जंजाल सत जेपरि दूरीभूत होई जाइछ अर्थात सांसारिक पाप ताप को दूरीभूत करी मनुष्य भितरे मनुष्य पणिया सृष्टि करिबा मानविक चेतना भितरे देवत्वर उत्थापन करिबा पाई ए बैतरणी जलर प्रभाव जे केते अनन्य ताहा महाभारतर सेई पृष्ठ रे आज भी लिपिबद्ध होइ रहिछि आपण माने लक्ष्य करितिए मु काली आसीथिली काली बैतरणी को आमे दर्शन करिथिलु किंतु आज दर्शन कला परे से जलर जो प्रकार परिवर्तन मु अनुभव कली मु प्रकृत रे चिंता कली जे आज प्रकृत बारुणी आज प्रकृत होउछि योग कारण ए नदी रो एही भली स्वतंत्रता रहिछि ए नदी रो एही परि भाबरे तार पवित्रता रहिछि जहा आमे अनुभव करिबा उचित आम भितरे सेही भली चेतना टिके सृष्टि होबा दरकार तबे जाहु सार कहुतुले द्रुतं वै तारेत जंतुं तस्मात् बैतरणी स्मृता वै शब्दर अर्थ होउछि निश्चित बा द्रुत जहा संसारर आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक आदि त्रिताप को दूरीभूत करी मनुष्य मनरे शुद्ध आध्यात्मिक चिंता एवं चेतनार परिस्फुरण करी पारे ताहा कोई कहा जाए प्रकृत संस्कृति एवं सेई संस्कृतिर मूल आधार होचंति आमर पुण्य बैतरणी तेणु ए बैतरणी आम संस्कृतिर मां एवं विशेष करी जाजपुर अंचल सेथिपाई गर्वित होवा दरकार एवं अनुरोध करिबे आपण मानकु समस्तंकु प्रबंजन बाबूंक सहित हाथ रे हाथ मिलाई पादरे पाद मिसाई आपण ए बैतरणी ज्योति को जदि प्रसारित करि पारिबे ताले बैतरणी मां पाई हबो आपणकर एहा भक्ति रो अर्घ्य धन्यवाद अधिक पुण्यतया सुजला सुफला शस्य समला धारिता मां बैतरणी को आज एक पवित्र तिथि रे आयोजित होता जो कार्यक्रम ए कार्यक्रम रे प्रजापति आसन अलंकृत करीरजा रत्न पंडित भूपति भूषण मिश्र महोदय जहाँ को शुणुले जहाँ वक्तव्य सरोवर सम्मोहनी शक्ति रे चित्तभूमि चित्रित होन्मय चटुतार मुझे सम्मान जनाऊे सम्मान जनाऊे नवजाजपुर निर्माता आज उद्घाटक जी
सबु कथा को गिली पकई जाजपुर विकास निजक सामिल कर नवजाजपुर कार्यव्यस्तता पड़े गले श्रीयुक्त दास को सम्मान जनाऊँ सम्मान जनाऊँ आज मुख्य अतिथि दार्शनिक ज्ञान सूर्यर गंताघर और ललित कवितार गोटे उर्मीला महोदधि थे थर शुणी आगर श्रीयुक्त मुझे सब बड़े नना बोली डाके जी तर पूरा ना अपेक्षा बाटुआ ना भाव परिचित समग्र ओडिशा रे आज अतिथि प्रोफेसर बटकृष्ण महापात्र महोदय अच्छा मोर प्रिय समालोचक 22 रु ऊर्ध खंड पुस्तक रचयिता आपण जदि केबे पढ़वे गड़जात परिक्रमा कतु आरंभ करी विदग्ध कवि अभिमन्यु पर्यंत डॉक्टर रवींद्र बिहारी को निश्चिंत पढ़वे नुआ नुआ कथा करुछंती मुतांकु सम्मान जनाऊँ सम्मान जनाऊँ मोर दक्षिण पार्श्वर बसी मोर अन्यतम बड़ भाई दामोदर मेहरा महोदय को सम्मान जनाऊँ मोर अन्यतम पथ प्रदर्शक सब बड़े देखा अति आपणार सहित डाकती महेश्वर केमती अच बोली से महेश्वर पणिया भितर से जो आत्मीयता भितर मुझे देखे गगन सार को सम्मान जनाऊँ सम्मान बाढ़ुचे संपादक ये एक परिकल्पना जहाँ मस्तिष्क भितर उंकी मारी माटी को परिचित करने माटीर अस्मिता को विश्व दरबार में प्रचोदित करने आगवर होती मोर बड़ भाई संपादक प्रबंधनपति महोदय को एवं सम्मान बाढ़ुचे आपण मानक आपण मैंने ये वैतरणी ज्योतिर चिन्हरा ग्राहक मैंने ये मंच उपर थी आपण मानक कोटि कोटि प्रणाम करुच्ची आपण मैंने ये वैतरणी ज्योति मोटे उणा हम ना आपण मैंने तार चिन्हरा ग्राहक मान जी अल्प समय वक्तव्य रखी मात्र जी यही परिस्थिति रे वैतरणी ये जो समय रे आम बंचुचे आम जो समय भितर अच्छे जो कालखंड भितर अच्छे पत्रिका त्रिका तीन काल कथा कहुवा ये पत्रिका वैतरणी ज्योति जो जार मुख पृष्ठार अच्छी जी संस्कृति और आध्यात्मिकतार कथा सतकथा आमर दुईटी धारा बर्तमान नष्ट आम बर्तमान सबू सब सबूक निजर घर भितर जावत्य इच्छा को उपभोग करवा भितर अच्छु निजर चारिकांत भितर जावत्य इच्छा को केमी उपभोग करू आम प्रकृति को नष्ट आमे आ देखुना जह्न रातिर मोह आम भितर ना आकाशे खोला जह्न देखी विमोहित हबार प्रवणता आम भितर मोटे उंकी मारूना आम बर्तमान मस्तिष्कर चालना भितर अच्छु मस्तिष्क को जिते भाग चालना करे एवं छोट जंत्रटे भितर सब सुविधा को हाथ नवार प्रवणता भितर आम जो अच्छु से एक वैतरणी ज्योतिर परिकल्पना करम संस्कृतिर क्षीय धारटे जोड़ीदेवार एक अदम्य परिकल्पना कर संपादक मुझे साधुवाद जनाऊँ बक्तव्य यदि गोटे व्यक्ति जीवन पूर्ण विकास दुईटा कथार हुए तार मानसिक विकास सहित तार हृदय विकास हवा निहाती जरूरी जदि व्यक्ति जीवन में मानसिक विकास केवल हो चले तार मस्तिष्क कसरत हो चले भितर भाव प्रवणता हृदय कह हृत्पिंड को आपण मैं आगे थोना जदि तार भाव प्रवणता भितर ना ताहले से पूर्णांग मनीष हेबना कि आम संस्कृति रहा आम मनीष भली ना धरिक सीना बंची कि बास्तव में केवल से कंक्रीट जंगल भितर जो कथा कहते जे कंक्रीट जंगल भितर केवल आम बांधि आम भितर कहारी सहित कहारी संबंध नदी ता आज दुर्घटनाग्रस्त होता व्यक्ति टी मेडिकल नवा परिवर्तन को एंगल रु तार फोटो निगला अति सुंदर देखा ता मस्तिष्क चालना कर फोटो उठाऊ ते पिलाटी केते नंबर रखिला से आम व्यस्त आम व्यग्र केते परसेंटेज रखिला व्यग्र थी बेले आम चिंता करूना पिलाटी केते भावप्रवण आज कहारी घरे हाथ में छाती बाड़ी छाती हाथ बाड़ी कह जाए आज कहारी घरे संज दीपट दि जाए ना दुई तीन दिन तले टीवी गोटे कार्यक्रम देखुली जे गोटे आध्यात्मिक कार्यक्रम से प्रतिजोगी भाव में जड़े शिक्षय आसी भुवनेश्वर
ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଅପସନ୍ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୁଗୁରଚିଆ ଏକ କ'ଣ ବୋଲି ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଗୁଗୁରଚିଆ ଏକ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଘାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ଏକ ଗଛ ଏକ ଫୁଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଗୁଗୁରଚିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଳ ବୋଲି ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୁରୁବାର ମାଣ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ମାନସାଙ୍କ ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହେବ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶର ଶୀର୍ଷ ସୀମାକୁ ନେବା ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଆମ ପାଇଁ ତ ସିଧା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଜରା ନିବାସ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ହାଉଡ଼ି ଖାଉଛେ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଉଛେ ଯେ ଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ଜରା ନିବାସରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ବୋଲି ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମର ଦରକାର ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ କି ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଥିଲା ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା ପଣ୍ଡିତ ଭୂପତି ସାର୍ଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯିଏ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କ'ଣ କାହାରି ମନେ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ଅଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ମନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ରହିବେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଜାତିର ହେଉଛି ପରିଚୟ ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଯଦି ଭୁଷୁରି ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମେ ରହିବା କେଉଁଠି କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆମର ବୁଢ଼ାପଣ ଆମେ ଭାରି ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଉଛୁ ଯିଏ ଆମର କ'ଣ କରିବୁ ଆମର ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ଏବେ ସବୁ ଜରା ନିବାସ କଲା ହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ତ କମ୍ ନ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ହନୁମାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁଭୂତିର କାହାଣୀଟିଏ ଦୁଇ ପଦରେ ରଖୁଛି ମୁଁ ଥରେ ଛତିଆରେ ଗୋଟେ ଜରା ନିବାସ ଅଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠିକି ଯାଇଥାଏ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜରା ନିବାସଟି ଅଛି ସୁଦୂରରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ପଡ଼ିଛି ସେଠି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲି ଭାବିଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି କି ତାଙ୍କ ଅତୀତ କିନ୍ତୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କାଳେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ପଚାରିଲି ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ବସିଲି ସେ ଗୋଟେ ବଟଲ୍ଟିଏ କାଢ଼ିଲେ ଛୋଟିଆ ବଟଲ୍ଟିଏ ସତ୍ କଥା ନିଛକ ସତ୍ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟିଆ ବଟଲ୍ଟି ସେ କାଢ଼ିଲେ ସେ ବଟଲ୍ଟିରୁ ଗୁଣ୍ଡି କାଢ଼ିକି ଖାଇଲେ ଏବଂ ସେ ବଟଲ୍ଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଗୋଟେ ପୟଜନ ବଟଲ୍ଟିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମଉସା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଦାନୀ ଦରକାର କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଦାନୀଟିଏ କିଣି କରିକି ଦେବି ସିଏ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ତମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣେ ଏଇଟା ବିଷ ବୋତଲଟିଏ ବୋଲି ତମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ ନା ମୁଁ ସେଠୁ ନିରବ ରହିଲି ସେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କହିଲେ ଘର ଆମର କୋଣାର୍କ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପୁଅ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅ ବି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାର ଅବସ୍ଥା ହେଲାରୁ ମୁଁ ପୁଅ ପାଖକୁ ପଳେଇଲି କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ରାତିରେ ପୁଅ କହୁଛି ତୁ କହ ମୋ ବାପା ସିଏ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ କହିବି ପଳା ବୋଲି ଏଠୁ ମୋ ବାପା ମୁଁ ସେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଏଠୁ ତୁ ପଳା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରିବିନି କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ ଚେଇଁ କରି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲି ତାପରେ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ପୁଅ ବି ଅଟକାଇଲା ନାହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଝିଅ ଆସି ନେଇଗଲା ଆମର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ଝିଅ ଜୁଇଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା ପରେ ଝିଅ ବି କହୁଛି ତମେ ମୋତେ କୁହ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ କହିବି ମୋ ଘରୁ ପଳା ବୋଲି ତାପରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି ସ୍ଥିର କଲି ମୋ ପାଖରେ 60 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏଇ ବଟଲ୍ଟା କିଣିଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଷ ଖାଇକି ପଡ଼ିଯିବି ଜଙ୍ଗଲରେ କୁକୁର ଶିଆଳ ଖାଇଯିବେ କିନ୍ତୁ କେହି ମୋତେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅର ଅସମ୍ମାନିତ ହେବ ବୋଲି ଶେଷରେ ବାପ ଟିକେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ବାଟରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରେ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଖବର ଯିବ ସେକ୍ରେଟେରୀରେ ଚାକିରି କରିଛି ଖବର ଯିବ ଯେ ତମ ବାପା ଏଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି ଜାଗାରେ ମୋର ସତ୍ତା ନ ମିଳୁ ସେମିତି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଟକରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଜୁଛି ଛତିଆ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି ମୋତେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦୁଇ ଚାରି ଧକା ପକେଇଲା ପଇସା ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇଦେଲା ରାତିରେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦିଲା ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଲର ମହାଶୟ ମୋତେ ନେଇକି ଏଇ ଆଶ୍ରମ ରଖିଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଇତିଛି ଖଣ୍ଡେ ଫଟୋ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ କଟିଂ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଛାପି ଦେଇଛି ବାପା ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଫଟୋ ଯେ ଯାହାର ସନ୍ଧାନ କିଏ ଦେଲେ ଏତିକି ପଇସା 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ହେଲେ ସାଇତିକି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ରଖିଛି ତାକୁ ଏ ବଟଲ୍ଟି ରଖିଛି କୁହନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ ଆମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଘରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଶିଖଉଛେ ଘରକୁ ବରା ଦୁଇଟା କିଣିକି ଆଣିଲେ କହୁଛେ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ପୁଅ ଅଛି ତୁ ଖାଇଦେ ସେ ଦେଖିବ ବୋଲି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ ଏ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦରକାର ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଦରକାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଉପର ପିଢ଼ିମାନେ ରହିଲେ
बसिक नाती नातनी मान यही परिवेश शिखेले सुस्थ सामाजिक भावबोध हम समय नहीं थी समस्त क्षमा मांगुची नमस्कार। विश्व द्वारे साधना तुमर हेबनि व्यर्थ हेबनि तुच्छ। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ये प्रख्यापन जिते बड़े आम आगे बाढ़ से एक कही जे आमे समस्ते जिते बड़े जन्म नहीं आमर एक उत्तर दायित्व रही आमे बिना कारण रे बिना उद्देश्य रे पृथ्वी के आसी ना संपादक कहते काली जो अमृत वर्षाटी है उद्देश्य धूली कणाटीए जिते बड़े जन्म हो तार एक उद्देश्य अच्छी से उद्देश्य सत्ता पाखे आमको पहुँचवाक पड़ो। गोटे कथा देखुली जे ये जो पत्रिकाटी जन्म है ये सेल्फ इनिट्यूशन एवं आत्म चेतना पाख को एक सुंदर रास्ता टीए खसड़ा पथर टीए निर्माण हो आध्यात्मिक सांस्कृतिक गवेषणा एकाधार त्रिरत्न को संजोग कर बैतरणी जी जन्म नहीं आप चिंता करूँ जे ये परिदृश्य मान जगत में जहाँ आम अनुभव करजक जो मार्ग नियोजित कर वास्तव सच्चा जीवन मार्ग नुहे आमर जो चेतनशील पुरुष सत्ता आम भितर रही से जो हिडन ट्रेजर से जो रुद्ध द्वार चाबिकाठी खोलवापी चाबिकाठी धरी ताको खोली तादेरे विश्वर वास्तव रूप को संदर्शन करने पत्रिकार आवश्यक है। टिके आगरू